इधर आ जाइए। माहौल तो इन लोगों ने ये मोमडन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है। ऐसी नहीं पता थी कि यहाँ बहुत शांतिपूर्वक काम निपटा गया था, मगर मुसलमानों ने यहाँ चौकेबाजी करके बहुत नुकसान करा यहाँ पे। यस, गाड़ी में आग लगाई, मोटरसाइकिलों में आग लगाई, मगर ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। इन्होंने रात ही रात में जुम्मे की रात को जो है अचानक इन्होंने प्रोग्राम बनाया, सुबह को इन्होंने 7 बजे करीब इन्होंने हंगामा बहुत तगड़ा करके कराया। बिल्कुल हिंदुओं को भी ये डर था चारों तरफ से, मुसलमान अगर फौज नहीं होती यहाँ पे तो मुसलमान हिंदू बहुत मारा जाता। आप लोग को ही मारते? यस, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग यहाँ पे रहते कैसे हो? ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि फौज ने हमें बचाया है ना। तो ये यस, अगर संभल के अंदर फौज नहीं होती तो चारों तरफ ये मुसलमान चढ़ के सबको हिंदू को मार देते। ये हिंदू बस्ती है? ये पूरी हिंदू बस्ती है। हिंदू बस्ती, और पीछे आप दिखाइए कि इधर ही पीछे जो है पुलिस चौकी भी बनी हुई है, सेफ्टी के कारण। ये सेफ्टी के कारण, क्योंकि प्लानिंग पहले से ही रात में बन गई थी क्या? ये जुम्मे की रात की प्लानिंग बनी है रात को। अच्छा, कि सुबह करना है? ये सुबह करना है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इन्होंने बिल्कुल हस्ती बिल्कुल बहुत ख़राब कर दी थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अगर फौज नहीं होती यहाँ हिंदू को इतना मारा जाता किसी जवाब भी नहीं। ये तो भोलेनाथ, मतलब बात पुलिस वालों से हुई, जो भी हुआ ASI टीम से, उससे आप लोगों को खतरा क्यों है? नहीं, खतरा आप लोगों को मतलब क्यों परेशान करते हैं? नहीं, ये तो फोर्स में और इनमें हुई है, मगर ये अगर फोर्स नहीं होती वहाँ पे तो चारों तरफ से ये मुसलमान आगे चढ़ जाते हैं। और ये इधर का पीछे का रास्ता है संगर कॉलेज की तरफ का, वहाँ भी मोमडन इलाका है। जामा मस्जिद से जो है 500-600 किलोमीटर यहाँ संगर कॉलेज है, वहाँ आपके ऊपर पूरा ढका। तो यानी हर तरफ से आप लोग घिरे हुए हैं? यस, घिरे में हैं यहाँ। ये सामने जामा मस्जिद है, ये यहाँ से कितना पड़ता है? मैं अभी आई हूँ, मुश्किल से 150 मीटर। ये हरहर मंदिर है हमारा, ये मुसलमानों, यस, ये मुसलमानों छीन रखा है। ये कैसे दावा कर रहे हैं कि मंदिर है आपका? इसमें मूर्ति है, इसके अंदर भोलेनाथ की मूर्ति और विष्णु भगवान का मंदिर भी है। दोनों मूर्ति है, विष्णु भगवान की और क्या नाम है भोलेनाथ की। इसमें काय दंगा करा देंगे भैया, इसी के लिए तो लड़ाई हो गई, ऐसा ही सर्वे हुआ। ये तो भोलेनाथ ने चाहे तो ये मंदिर हमारा होके रहेगा बिल्कुल, ये योगी की सरकार में बिल्कुल। कैसे होके रहेगा? जब सर्वे उन्हें दिया जाएगा तब तो नहीं होएगा, ये मोदी जी चाहेंगे बिल्कुल सर्वे अगर। यस, बिल्कुल होएगा ये सर्वे। तो कैसे पता आपको कि वहाँ पे मंदिर है? बुजुर्ग को ये इसमें भाई, पुराने हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं सब लोग बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था जी, बहुत साल पुरानी बात है। पृथ्वीराज चौहान की जो है वो है ये राजधानी, यहाँ पर पहले ये सुरंग थी यहाँ पर नीचे, पृथ्वीराज चौहान आते थे घोड़े पे, और जो है वहाँ अंदर भोलेनाथ का मंदिर भी है, और जो है सारी बातें जो ये सब कुछ जानते। तो आप लोगों ने कभी कोशिश किया लोगों से बात करने की? जाने जब बाहर से मस्जिद का रूप दे रखा है तो ये तो वही लोग जानते हैं जो पुराने अपने चले आ रहे हैं। और ये सब अब उन्होंने वकील साहब ने, जो जैन साहब हैं उन्होंने जी, विष्णु जैन जी, उन्होंने उठाया, तो उसके बाद जब सर्वे हुआ है, एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, तो उस पर इन्होंने लोगों ने पथराव वगैरह कर दिया। 150 साल पहले भी हुआ था सर्वे क्या इस मंदिर का? नहीं, अभी तो नहीं हुआ था मंदिर। नहीं, 150 साल पहले शायद हुआ हो, हमें तो पता नहीं, इतने पुराने तो हमने, हो सकता है हुआ हो। लेकिन पूर्वज आप लोगों के कहते हैं कि मंदिर जी जी, और नक्शे में भी है, सब जगह है जी जी है। इसीलिए पथराव हुआ कि कहीं रिपोर्ट ना हो जाए, सर्वे ना हो? हाँ, वो पथराव का क्या कारण लगता है, क्या समस्या आ गई? सुबह सर्वे के लिए संडे के दिन जब आ गए थे ना ये लोग, तो ये अपना मंदिर में जो है सर्वे के लिए गए, उसके बाद जो है बाहर भीड़ भाड़ इकट्ठी होने लगी, उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि जो है हो सकता है कि जो है कुछ और ही बात हो, तो सब ने घेर लिया, उसके बाद फिर पथराव वथराव शुरू कर दिया। ये लोगों को पता समझाया भी कि जो है पुलिस वाले ने बहुत समझाया कि न्यू आप हैं बच्चे, 14-15 साल के बच्चे थे, उन्होंने जो है पथराव करा जी, काफ़ी पत्थर लोग जो ईंटें वीट पड़ी थी सब वही उसी से पथराव करा उन्होंने, फिर इन्होंने आंसू गैस के गले छोड़े जो है जी। यानी ये लोग भी कह रहे हैं कि इनके पूर्वज जो है वो बताते थे पहले से कि वो मंदिर है। सवाल करने का कारण क्या लगता है आप? तो मुसलमान लोग जाने ना, यहाँ पर जो है परसेंटेज कम है हिंदुओं की, 10% कुल है, 90% वो लोग हैं। आप लोगों को दिक्कत होती है रहने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिक्कत होती, ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप लोगों को कोई परेशानी होती है रहने में, मतलब कोई किसी तरीके की समस्या है कुछ? ना, कोई परेशानी नहीं। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। कैसे, क्या माहौल बिगड़ा, क्योंकि मस्जिद के जस्ट सामने वाली गली है?
देखिए सर्वे टीम जब आई तो सर्वे टीम के विरोध में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए मस्जिद के दूसरी तरफ। उन लोगों ने पुलिस पर पथराव और ऐसा लोगों ने कहा कि फायरिंग भी उन लोगों ने की और तभी से माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस और उनके बीच में संघर्ष हुआ। पुलिस ने बचने का प्रयास किया, बचाव किया, हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद कहीं जाके स्थिति कंट्रोल में आई, ऐसा हुआ था। लोगों का तो कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पहले ये सब कुछ शुरू किया गया। ना हमने ऐसा देखा, ना हमने ऐसा सुना, हमसे ना किसी ने ऐसा कहा और ना हमने देखा। तो यानी उधर की तरफ से ही पहले सब कुछ शुरू हुआ, सारा कुछ उधर की तरफ से ही हुआ। चैनल आपके अलावा भी बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने हमें दिखाया, हमने टीवी में देखा, उधर की ओर से ही शुरुआत हुई। क्या मतलब पहले से पूरी इस तरीके की प्लानिंग थी ये सब कुछ करने की? प्री प्लानिंग कहिए या कुछ भी कहिए कि हाँ। लेकिन जो जामा मस्जिद के जो कमेटी इन्होंने बना रखी है उसके सदर हैं, उन्होंने वो वकील भी हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं अच्छे, उन्होंने मना किया था कि सर्वे सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब क्या जाने किस राजनेता ने, किसने नेता बनने के चक्कर में इन इतनी बड़ी भीड़ को आग में झोंक दिया और इन सब के लिए भड़काऊ स्थिति तक पहुंचा दिया। कमेटी के जो है वो एडवोकेट भी है, एडवोकेट भी है, हाँ वो एडवोकेट भी हैं और कानून को जानते हैं, सर्वे भी सही करवा रहे थे वो, हाँ। वो प्रशासन के साथ मिलकर सर्वे भी सही करा रहे थे। लेकिन अब भड़काऊ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जो भीड़ भड़की और गरीब बच्चे जो मरे हैं, बच्चे वो भी गरीब परिवार से हैं, उनकी भरपाई अब कैसे वो लोग कर पाएंगे जिन्होंने उन्हें भड़काया, गलत किया। बहरहाल तो कैसे मतलब लोगों तक ये बात कैसे पता चली, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि वो प्रशासन का साथ दे रहे थे, जो एडवोकेट है, जो कमेटी के मेंबर है यहाँ पर, तो किस तरीके से इतनी भीड़ इकट्ठा होना, लगभग 2,500 आदमी एकदम से वहाँ पर आना, अब सुनने कैसे एकजुट हो गए? सुनने में तो यह है कि वर्चस्व की लड़ाई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अब थोड़ा सा ये आपको अंदर जाना पड़ेगा। इस सब के पीछे का मकसद क्या लगता है, मतलब क्यों आखिर अगर सर्वे हो भी रहा था तो क्या कारण था उस पर पत्थरबाजी करने का या पुलिस प्रशासन को परेशान करने का इस तरीके एक तरफ से? तो कुछ लोग थे जो आपने देखे भी होंगे न्यूज़ में, हाँ। कि जो समझा भी रहे थे, लेकिन काफ़ी बड़ी भीड़ थी जिसको समझाना मुश्किल था, जिसको समझाना मुश्किल था। अब वो कहीं ना कहीं भड़क कर तो आई थी, कुछ ना कुछ ऐसी बात उनसे बोली गई कि वो उनके दिमाग में कुछ और ही अलग चल पड़ा, भड़काने की कोशिश की गई। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं वो खुद कह चुके हैं कि वहाँ कुछ केबल सर्वे चल रहा था, कुछ और चल ही नहीं रहा था, कुछ भी ऐसा इलीगल काम नहीं हो रहा था, वहाँ पर कानून का पालन हो रहा था। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो हुआ है। हरिहर मंदिर का इस दावा किया जा रहा है कि हरिहर मंदिर है यहाँ पर, यहाँ पर भी मैंने लोगों से बात करी तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमको ये बताया कि यहाँ पर मंदिर है। तो क्या मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोगों को भी पता चला हो कि यहाँ पर मंदिर है? आज तक हम बचपन से ये सुनते हुए हैं मस्जिद तो थी जब भी नमाज होती थी, लेकिन ASI के अंडर में होने की वजह से वहाँ हिंदू लोग भी जाते थे वहाँ। साल पहले की बात है, मैं बोलूंगा 20 से 25 साल या फिर जैसे 25 साल पहले जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, ASI की टीम भी वहाँ रहती थी, पुलिस प्रशासन उस टाइम भी रहता था, हमेशा रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं है, नमाज भी होती थी। तो मस्जिद तो थी उस टाइम भी, ठीक है, ये तो नहीं कहूँगा मैं मंदिर था, लेकिन सुना हमने यही है कि मंदिर था पहले और हरिहर मंदिर के नाम से, हरिहर मंडल के नाम से ये सब लोग भी जानते हैं, ठीक है। और इन्हें मुझे शायद ऐसा लगता है कि ऐसा लगा होगा कि शायद कि अभी कब्जा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, या फिर इनके को जो भी किसी ने भड़काया हो, इन्हें बताया हो, कहीं ना कहीं ये इनको डर था कि ऐसा ना हो कि ये भी सर्वे हो जाए, ये भी खेल सामने आएगी, ये इनको डर था, हा? इसकी सच्चाई जब हो, इसकी सच्चाई सामने होगी, इस बात का डर था। कोई प्रशासन के बीच में तब वो हो रहा था, सर्वे हो रहा था, कोई किसी तरह कोई कब्जा नहीं, कुछ नहीं, तो इनको किस बात का डर था? सच्चाई सामने आएगी, इस बात का डर था, इसी वजह से इन्होंने सब कुछ करा। बिल्डर आप बता रहे थे कि आप भी गए थे, कहाँ पर? 25 साल पहले घूमने गए थे हम, छोटे छोटे तब गए थे, तब जाना सबका अलाउड था, आप लोग जा सकते, अलाउड था, अब नहीं जा सकते, आप कोई नहीं आ सकते, इन्होंने पाबंदी लगवा दी, कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, हाँ मुस्लिम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और रहते भी, खेलते भी। अच्छा, ये जो मोहल्ला है और ये जो एरिया है, ये मैंने ये भी सुना है यहाँ पर बाहर लोगों से कि इसको हरि मंडल करके पहले जानते थे, इसको हरि और हर दोनों का मंदिर करके ये मंदिर प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों विराजमान हैं, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन है और ऐसा हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। इस
इस रास्ते का भी कुछ ऐसा था कि इसको हरिमंडल करके जानते थे या कुछ? हाँ, पहले हरिहर मंडल, इसको हरिहर मंडल रोड के नाम से ही लोग जानते थे, और मैंने कुछ दुकानों के बोर्ड पर हरिहर मंडल रोड लिखा हुआ मैंने खुद भी देखा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके लुप्त हो गया। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि ऐसी संरक्षित इमारत अचानक में एक केवल मस्जिद बन गई, कैसे रह गई? ऐसी संरक्षित इमारत कैसे एकदम से मस्जिद बनकर रह गई? तो आप लोगों के मन में सवाल उठे कि ऐसा कैसे हो गया, एकदम से इस पर जो है मस्जिद बन गया, धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आने लगे, आप लोगों का जाना बंद हो गया, कभी सवाल उठे आप लोगों के मन में? बीते समय में इस तरह की हालात थे कि वो सवाल उठते थे और वहीं दबके रह जाते थे, लेकिन अब न्याय का शासन है तो लोगों ने प्रयास किया और वो लोग आए, तो अब ऐसा लगा कि हाँ निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। कुछ साल पहले भी ये मुझे सुनने में आया कि कुछ साल पहले भी इस तरीके का माहौल हुआ था 1976 के आसपास में? 76 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक मतलब ये झगड़ा हुआ था इसके पीछे, बोले इसमें आदमी घुस गए, हम ये है कब्जा कर रहे हैं, इस तरह की इन्होंने अगवाई उड़ाई थी। किसने? इन पक्ष ने, ना मुस्लिम पक्ष में, कि मस्जिद में हिंदू पक्ष के लोग? जी हाँ, एक ऐसी दिमाग का था हमारे यहाँ गांव का था, वो इसको जो है बस में जगह नहीं मिली थी, तो वो जाके इसमें जाके सुनते थे, हमें मालूम भी नहीं है कि इसमें जाके वो रुक गया था, तो इस चक्कर में जो है वो दिमाग से माइंड था ऐसी था, तो इसी को लेकर बवाल हुआ। हाँ, इसी को लेकर बवाल हुआ था। तो तब भी इसी तरीके का दंगा हुआ था, तब भी इसी तरीके का माहौल हुआ, बहुत तगड़ा हुआ था, आगजनी भी हुई थी बहुत तगड़ी। हाँ 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 हम छोटे छोटे थे, 15-16 साल की उम्र के थे, मगर हम सब देखा हमने। 15-16 साल की उम्र जी, 1976 मतलब तब आपने सब कुछ देखा है, तब का दंगा, आज का दंगा देखा है, बिल्कुल हम सब देखा है। कुछ हालात बदले तब से लेकर अभी तक, या सोच अब भी वही है? सोच अब भी मोमडनों की वही है कि सच्चाई सामने ना आवे, इसी तरीके की यही तो बात है। और अगर जब कोई कब्जा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, न्यायालय के आदेश पर हो रहा था, सर्वे हो रहा था, तो झगड़ा करने का क्या मतलब है? सब लोग थे जिम्मेदार थे, मंदिर समिति, वो जो हमारे लोग जिन्होंने दावा करा वो भी थे, बाबा जी विष्णुचंद जैन भी थे, और इनकी जो सदर हैं वो कमेटी वो भी थी, तो झगड़ा करने का क्या मतलब है? को देखते हैं जैसे इस तरीके का माहौल बनाते हुए, पता चला ये ऐसा ही सर्वे करने आई है तो पत्थरबाजी करने लगे, आप लोगों के मन में कभी इस तरीके का ख्याल आया कि जब आपको पता चला कि ये हमारा मंदिर था, मस्जिद बन गया, चलो हम भी पत्थर फेंकते हैं? नहीं, हमने कोई किसी तरह का सब प्रशासन को न्यायालय पे सौंपा, हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, सब अदालत है, सब ऊपर की नीचे की, हम बाहर जाइए हाईकोर्ट जाइए। क्या लग रहा है अगर दोबारा इस तरीके का कुछ सर्वे होता है, या दोबारा जो भी फैसला कोर्ट का आता है उसके बाद फिर से इस तरीके का कुछ काम होने की, या इस तरीके के दंगा होने की उम्मीद है? देखिए, हमें तो अपनी न्यायपालिका और प्रशासन पर पूरा भरोसा है, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब इनका क्या पता ये किस समय उग्र होकर पूरी भीड़ लेके आ जाएं। उम्मीदें तो बहुत सारी रहती हैं, कई दंगे इस शहर ने झेले हैं, जिस जिले को अलग, जब जिला नहीं था हमारा संभल मुरादाबाद था, तब यहाँ पर ADM और एडिशनल SP की पोस्ट इसीलिए तय कर दी गई थी कि संभल को दंगों के शहर के नाम से कुछ लोगों ने पहचान दिला दी थी। और आज उस तरीके की हालत नहीं है? हम तो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना हम लोग झगड़ालू हैं, ना हम झगड़े के समर्थन में हैं, हमें और क्या चाहिए, मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, मतलब पुलिस के साए में हम लोग फिर भी सुरक्षित हैं, वरना हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे पहले। वरना अपने आप